अररिया जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 अपराधियों को हथियार, मादक पदार्थ एवं महंगी बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। बताते चले कि फारविसगंज अनुमंडल क्षेत्र की कई घटनाओं में फरार चल रहे 8 अपराधियों को 3 पिस्तल, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली मैगजीन, 5 मोबाइल सेट, 4 किलो गांजा मादक पदार्थ एवं 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि जिले के कई लूटपाट की घटनाओं में ये लोग शामिल रहे हैं। एसपी अररिया हृदय कांत ने बताया कि पिछले माह 23 मार्च को एक व्यवसायी से 4 लाख की लूट हो गई थी। उसी लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। उन्होंने बताया कि कल ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और सूचना मिली कि जोगबनी के पास इस तरह की गतिविधि दिख रही है, जिसके बाद एसडीपीओ फारविसगंज के नेतृत्व में जांच करवाई गई और वहां से 5 अपराधी को गिरफ्त में लिया गया। उसकी निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च को रानीगंज थाना अंतर्गत एक व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लाख रुपए की लूट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के अनुसंधान के सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे थे, तो इस गैंग के बारे में हमें पता चला और इनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिले। हम लोगों ने अपने गुप्तचर को तैनात करके रखा था। कल पुनः ये लोग कहीं पर लूट करने के लिए जोगबनी थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए थे, इनमें से कुछ लोग, तो एसडीपीओ फारविसगंज के नेतृत्व में टीम गठित करके उन पर धावा बोला गया। वहाँ पर 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहाँ से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 3 गोली बरामद हुई। उसके साथ ही कुछ अन्य मादक पदार्थ के बरामद हुए। उसके बाद इन सबको बुला के गहन पूछताछ की गई, तो उस कांड में तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार ही की। 2 अन्य कांड जो फारविसगंज थाना अंतर्गत हुआ था, एक तो पिछले महीने ही हुआ था, दूसरा अक्टूबर के महीने में हुआ था, उन दोनों कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके बाद इनकी निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ जो उन कांडों में लूटा गया था। तो कुल मिला के 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 व्यक्तियों को और देर रात गिरफ्तार किया गया, जो कि विभिन्न कांडों में संलिप्त थे। ये जो रानीगंज वाली लूट की घटना थी, उसमें जो होलसेलर व्यवसायी फारविसगंज था, उन्हीं का एक स्टाफ ने इस गैंग को टिप ऑफ दिया था कि फलाना व्यक्ति वहाँ से पैसे लेके चल रहा है, आप लोग उनको लूट सकते हैं। तो उसके बाद 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गए और उस व्यवसायी को, जो कि अपने पिकअप में पैसे लेके आ रहा था, उनको लूट लिया। लूट के दौरान प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। 2 रंग का मोटरसाइकिल था। इसके अलावा लूटे गए पैसे से इन लोगों ने 4 अन्य मोटरसाइकिल खरीदी, जिसमें से कि 1 KTM बाइक है, 3 बजाज पल्सर की 220 है। उन 4 मोटरसाइकिलों को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इनके निशानदेही पर पूछताछ पे कुछ अन्य अपराधियों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, जिसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सर, रानीगंज लूट में 4 लाख का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन 11 लाख लूट होने की बात कही जा रही है। ऐसी सूचना हमें भी आ रही थी कि जो रकम है वो ज़्यादा है, लेकिन व्यवसायी जिनके साथ लूट की घटना कारित की गई है वो 4 लाख रुपये ही बता रहे हैं, उससे वो 4 लाख रुपये लेके ही चले थे। क्या सर, इस अभियान को आगे भी रखा जाएगा क्या? बिल्कुल, हमारा अभियान निरंतर चलता रहता है। जब भी हमें सूचना मिलती है किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि की या किसी गैंग के एक्टिव रहने की, तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, लगा के हम लोग उसको पकड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। पिछले 2-3 महीना में आप लोगों ने भी देखा होगा कि अररिया पुलिस को, खास करके फारविसगंज अनुमंडल में, हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है और इसी वजह से अपराध में भी नोटिसेबल कमी आई है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, इनपुट मिलता रहेगा, तो यह शांति आगे भी कायम रहेगी। सर, ये लोग आदतन अपराधी हैं या युवा वर्गों में नया क्रेज देखा जा रहा है? बहुत जगहों पर हो रहा है कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए या न्यू बाइक के लिए, शौक पूरा करने के लिए। जो अपराधी अभी पकड़ा है 8-8, इनमें से किसी का आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। पूछताछ के दौरान भी इन लोगों ने यही बताया कि ये लोग अभी रिसेंटली ही अपराध की दुनिया में कदम रखे हैं, 2-4 अपराध ही इन्होंने किया है। इनके शौक को देख के लग रहा है कि ये लोग अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए, जैसे बढ़िया बाइक, बढ़िया मोबाइल, अच्छा जीवन शैली, उसके लिए अपराध की दुनिया में कदम रखे हैं। मैंने क्या लग रहा है, नया नया गिरोह पैदा हो रहा है? यह गिरोह तो नया ही था, हो सकता है कि भूलवश भटक के या किसी अन्य कारण से लोग अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से के माध्यम से, जनता से भी अपील करता हूँ कि यदि कोई युवा इस तरह की डेविएंट बिहेवियर शो करता है, मूल धारा से भटकने की प्रयास करता है, तो आप लोग हमें तत्काल सूचना दें,
ताकि हम लोग उनकी गतिविधि पे अंकुश लगा सकें और वापस से उन्हें समाज के मुद्दा जोड़ें।